फार्मूला, ठीक है जी। नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला, यस सेक्शन फार्मूला, जी सेक्शन फार्मूला क्या होता है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला फार्मूला है फॉर इंटरनल डिवीजन, फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल डिवीजन की, ठीक है। इंटरनल डिवीजन हमारा क्या होता है वो देखिएगा, जैसे या मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है उसको ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स हैं मेरे पास, देखिएगा। जैसे मेरे पास ये एक लाइन है, एक लाइन है, इसके एंड पॉइंट्स मेरे पास हैं, एक है x1 y1 और एक है x2 y2। दैट पॉइंट इज x1 y1 एंड दैट पॉइंट इज x2 y2। ये दो पॉइंट्स हैं मेरे पास और इनको कोई एक पॉइंट डिवाइड करता है m इज टू n रेशियो में। वो पॉइंट मान लेते हैं x कॉमा y है, जिसको m इज टू n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m इज टू n, तो इसका फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन एम प्लस एन, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट जो है वो ये आ जाएगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा my2 प्लस ny1, तो पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा एम प्लस एन। बोलिए, ठीक है जी। यस सर, सर आप एक बार स्क्रॉल अप कर सकते हो। हाँ, मैं इसका प्रूफ भी करा रहा हूँ साथ में, दोबारा से लिख लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रूफ देखिए, फिर साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस लेने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमारी y एक्सिस है एंड दैट इज आवर x एक्सिस, और इसके ऊपर दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इसके बारे में, एक x1 है एक y1 है, इस तरीके से मैंने दो पॉइंट्स ले लिए x1 y1 और x2 y2। ये पॉइंट है आपका x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। बोलिए, x1 y1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो इस तरीके से जाके x एक्सिस के ऊपर गिरेगा, ऐसे ही आपने को परपेंडिकुलर x2 y2 से ड्रॉप किया वो x एक्सिस के ऊपर इस तरीके से ड्रॉप। बोलिए, यस सर। और एक और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो इस पॉइंट से, जो मेरा पॉइंट है, इसके मैं पॉइंट्स पहले लिख लेता हूँ, ये कौन कौन से पॉइंट है। ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, जो इन दोनों को एम एस टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम एस टू एन रेशियो में डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट पी पॉइंट। तो अगर मैं इस पी पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ ऐसे गिरेगा जाके, वो मान लो के पॉइंट पे जाके कट कर रहा है, एक और परपेंडिकुलर वो भी जाके ऐसे कट करेगा, वो एच पॉइंट पे कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। या फिर ऐसा करो, एच पॉइंट के बजाय आप यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करो नीचे की तरफ और इसको आप ले लो, कंसिडर कर लो, ध्यान से देखिएगा। यू कैन कंसिडर इट एज एच पॉइंट, यू कैन कंसिडर दैट वन एज एच, इसको आप एच ले लो, ठीक है, इसको आप एच। अब आपने क्या करना है जी, एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि एक ये ट्रायंगल है ए एच पी और एक ये ट्रायंगल है पी के बी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल, बताइए। ट्रायंगल ए एच पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी, सॉरी पी के बी, बताइए क्यों, कैसे सिमिलर मैंने कैसे बोल दिया, फिगर से क्लियर हो रहा है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। देखिए 90 डिग्री है, यहां भी 90 डिग्री है, बोलिए। यस सर।
ये एंगल 90 डिग्री है या नहीं वाला ये बताओ। यस सर है। अच्छा उसके अलावा एक और एंगल इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा भाई? ये सेम लाइन से तो एंगल बन रहा है, सेम लाइन से एंगल बन रहा है, तो ये एंगल इसके और एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, सिमिलर एंगल्स हो गए। अब जब सिमिलर एंगल्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि AP अपॉन BP इज इक्वल टू AH अपॉन PK इज इक्वल टू PH करस्पॉन्डिंग साइड्स PH अपॉन BK, ये सभी इक्वल होंगे। बोलिए। यस सर। और हमें पता है कि AP अपॉन BP जो है वो M अपॉन N हो जाएगा। AH की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AH की जगह, हाँ जी ध्यान से देखिए, AH मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, उसमें से ये वाली डिस्टेंस आप क्या कर दो, माइनस वन, ये वाली डिस्टेंस आप माइनस वन। तो बहुत अच्छे, तो ये आएगा एक्स टू माइनस, नहीं बेटा गलत बोल गया, ये एक्स है बच्चे, ये पी के कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कॉमा वाई है। यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस ये एक्स थी, ये वाली डिस्टेंस एक्स थी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एक्स वन है, तो एक्स माइनस एक्स वन आएगा और अपॉन में पी के, पी के यानी कि हम इस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स। बोलिए। फिर पीएच के बारे में बात करेंगे, पीएच हमारा क्या हो जाएगा भाई, पीएच सिर्फ ये वाली डिस्टेंस है, ध्यान से देखना, पीएच सिर्फ ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक मुझे पता है ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, एक्स, और ये डिस्टेंस है एक्स वन, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी ये डिस्टेंस है वाई और वाई वन, सॉरी मैं गलत लिख गया, वर्टिकल में चल रहा है, वर्टिकल में वाई और वाई वन, ये वाई है और ये वाई वन, तो वाई माइनस वाई वन हो जाएगा। बोलिए। और अपॉन में बीके, बीके का मतलब बड़ा साफ है, ये वाली डिस्टेंस की बात, तो वाई टू में से आप इसको माइनस कर दो, वाई को माइनस कर दो, वाई टू माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहां से आ जाएगा एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन, इसको जब ला लो तो ये आ जाएगा बेटा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन इक्वल टू एम एक्स प्लस, देखिए सही है, यस सर, प्लस का आएगा एन एक्स, आपने यहां से एक्स कॉमन ले लेना है, एक्स इक्वल टू आ गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, तो पूरे के डिवाइड में आ जाएगा एम प्लस एन। बोलिए। ये एक्स क्वाड्रेंट, अब बात करते हैं वाई क्वाड्रेंट। बोलिए, वर्टिकल में लिखा है क्या? यस सर। सिमिलरली जैसे आपने ये किया, जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू निकाली वैसे ही आप किसकी वैल्यू निकालोगे, वाई की वैल्यू, वाई की सर, एम एम अपॉन एन को इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई की, बहुत सही होता है आपने, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बहुत अच्छे, एम अपॉन एन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा एम वाई टू माइनस एम वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन, बुला लो उसके अंदर एम वाई टू प्लस एन वाई वन, अब लेट आ रहे हैं बच्चे कुछ, ठीक है, एम वाई प्लस एन वाई, वाई कॉमन ले लीजिए बेटे, मैं तुरंत एग्जैक्टली टाइम पे जो एग्जैक्ट टाइम है उससे भी लेट क्लास स्टार्ट की आज, फिर भी बच्चे लेट आ रहे हैं, तो जो लेट आ रहे हैं वो लेट ही रहेंगे, ठीक है, उनका एम प्लस एन, ये भाई सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ बेटा बोलिए सर, अगर हमने एक एम, अगर हमने एम रेश टू एन में एक लाइन को डिवाइड किया तो सर एम उसकी डिस्टेंस है उस पॉइंट से? डिस्टेंस नहीं है, जैसे मैं आपको एक बात सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक पॉइंट है 0.3, क्या है 0.3 और एक है 0.9, ठीक है, और यहाँ कोई एक पॉइंट है वो थोड़ा इस साइड में ले लेता हूँ मैं, वो पॉइंट है 0.2, आप बताओ ये इसको यहाँ से यहाँ तक कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, चलो 1:7, ये डिस्टेंस है, तो 1:7 में डिवाइड कर रहा है क्या? नो सर।
ये तो डिस्टेंस बताई ना आपने, रेशियो अलग चीज होती है, डिस्टेंस अलग चीज है, मेरी बात नहीं समझा। ओके सर, यहाँ मैं अगर ये लिख दू 2.2:14 तो क्या गलत हो जाएगा क्या? नो सर, सही हो जाएगा। अगर मैं लिख दूंगा 3:21 तो क्या गलत हो जाएगा? मेरी बात रेशियो की शॉर्टेस्ट वैल्यू होती है। रेशियो का मतलब शॉर्टेस्ट वैल्यू नहीं, रेशियो अलग बेटे, रेशियो का आप अलग है, इससे कंपैरिजन कर रहे। अच्छा यहाँ से मैं अभी एम और एन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो अभी निकल आएगी, अभी आप निकालो, यही मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। एम और एन की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या दिक्कत है, अभी निकालते हैं। देखो एक्स इक्वल टू आ जाएगा एम एक्स टू, एक्स टू क्या है जीरो, प्लस एन एक्स वन, एन एक्स वन, एक्स वन कितना है, एक्स वन क्या है जीरो, अपॉन एम प्लस एन, लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमें पता लग ही गया कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एम प्लस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, नहीं ये तो पूरा जीरो ही होगा, जीरो इक्वल टू जीरो, ये हटाओ, इससे कुछ मिलने नहीं वाला, मिलेगा सिर्फ इससे टू से, तो टू इक्वल टू आ गया एम बाई टू, ये एक्स वन वाई वन है और ये एक्स टू वाई टू है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। एम वाई टू कितना है नाइन, प्लस एन वाई वन कितना है थ्री, अपॉन एम प्लस एन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू एम प्लस टू एन इज इक्वल टू नाइन एम प्लस थ्री एन, 9m माइनस 2m कितना हो गया 7m, इसको तो ले जाओ, ये उधर जाके माइनस का n हो गया, मेरी बात समझ आ रही है सर? 7m प्लस n इज इक्वल टू 0, अरे वो छोड़ो, m अपॉन n कितना आ रहा है वो बताओ, 1 अपॉन 7 आ रहा है सर, नहीं समझे तुम, मेरी सर 1:7 ही आ गया, 1:7 आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर ये 2:14 आ जाएगा तो क्या गलत है? नो सर, तो भी तो सही है। तो रेशियो का मतलब डिस्टेंस नहीं होता कभी भी, ये अब डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस का रेशियो निकाल लें, हाँ डिस्टेंस का रेशियो ये बोल सकते हैं, मेरी बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है? तो ये पॉइंट हमने निकाल लिया, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है? तो अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा अगर वो मिड पॉइंट होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा सर? सर सेम रेशियो में डिवाइड करेगा ना, एम रेशियो एम ही ले लेंगे, अगर मिड पॉइंट होगा तो क्या आएगा, तो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, यानी कि 1:1 रेशियो हो जाएगा। यस रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। प्रियांशु कुमार मांझी, ठीक है जी, तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। यस सर, इससे पहले भी किसी बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी, खैर चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर लेता हूँ, जैसे आपने इंटरनल डिवीजन लिखा वैसे ही आप किसका फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल में बाहर वो पॉइंट जो होगा वो बाहर होगा लाइन से, उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन से बाहर होगा, बिल्कुल सेम फिगर होगा, सब कुछ ठीक होगा, बस ये होगा इस बार क्या है, वो पॉइंट जो होगा वो बाहर वाली साइड होगा एक्स कॉमा वाई, यहाँ एक्स वन वाई वन होगा, ये एक्स टू वाई टू होगा और एक्स कॉमा वाई बाहर होगा, मेरी बात समझ में गया? सारी कहानी वैसे सेम है, इस बार जो पॉइंट है हमारा वो बाहर होगा, ठीक है? क्या डायग्राम बनाना होगा मुझे इसका? नो 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 सर, नो नीड, आप कर लोगे ये क्वेश्चन? तो रेशियो उसी हिसाब से यहाँ भी चलेगा, मैं बना देता हूँ, ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम आएगी लोगों, देखिएगा अदरवाइज आपको फिर डायग्राम अच्छा नहीं होगा ना, नहीं समझाएगा। ट्रायंगल बना देता हूँ क्लियरली आपको समझा जाएगा, ओके? बस ये है कि ये जो टाइम बचेगा इसी में हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, डायरेक्टली लाइन बना देता हूं ये, ठीक है? देखो स्टेट बनी बिल्कुल, ये पॉइंट जो है हमारा वो ए है और ये पॉइंट है पी, पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, ये बाहर वो पॉइंट है, और ए और बी दो पॉइंट्स हैं, एक पहला पॉइंट है एक्स वन वाई वन, दूसरा है एक्स टू वाई टू, और बी से इस तरीके से ये क्या हो गया, कुछ भी ले सकते हो यहाँ बेटा, कुछ भी ले सकते हो,
ये एच ले लो, ठीक है, ए बी पी एच के एच हो गया है ना, ये एल हो गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये एम पॉइंट हो गया, ये एन हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ये तो पता ही है। अब आपने क्या करना है, एपी अपॉन दिस, ध्यान से समझना, इस बार फिर वही ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कौन सा ट्रायंगल, पीएच, देखना ध्यान से, पीएच ट्रायंगल इज सिमिलर टू, पीएच ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीबीके, ये वाला ट्रायंगल पीएच पूरा सिमिलर हो गया, इसको पीएच पूरा ये सिमिलर हो गया, तो यहां से आएगा एपी अपॉन, ये पूरा एपी अपॉन पहले वाले ट्रायंगल, फिर दूसरा ट्रायंगल पी बी, इसका कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल टू ए एच अपॉन बी के इक्वल टू पी एच अपॉन सी के, ठीक है, वही एम अपॉन एन इक्वल टू ए एच क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इक्वल टू पी एच क्या आएगा, वाई माइनस वाई वन अपॉन पी के वाई माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा बेटा, इस बार जो आएगा वो माइनस में आएगा, जो पहले आया था प्लस में आया था इंटरव्यू में, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन में क्या आएगा एम माइनस एन, और वाई की वैल्यू वैसे निकाल दो, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है जी, ये एक्सप्लेन हो गया, सिमिलरिटी मैंने नहीं पढ़ी ना इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम, सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब जैसे ये सर्कल और ये सर्कल सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा शेप भी सेम, एक एक के ऊपर एक फिट हो जाना, हाँ ओवरलैप कर जाना। चलिए अब क्वेश्चंस लिखिए, दोनों आपको फार्मूले मैंने करा दिए हैं, अब इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लिखवाता हूँ आपको, ठीक है, चलिए लिखिए, फाइंड द सिमिलरिटी जो है 10th क्लास में ना बेटा, इसलिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट दिए हुए हैं 6.3 एंड -4.5, ये हैं इन द रेशियो, इन द रेशियो, रेशियो गिवन है 3:2, पहला ऑप्शन है इंटरनली, दूसरा एक्सटर्नली, पहला ऑप्शन है इंटरनली और दूसरा है एक्सटर्नली, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो 3:2 इंटरनली और दूसरा है एक्सटर्नली, कर लोगे? यस सर, बस 2 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ उतना टाइम, आप लोग करो ट्राई। मेरे तो आप भी लाइन पे हो बेटा, सर इंटरनली में तो ये आएगा 0.21/5, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत सही, गुड, फ्यूचर ब्राइट है आपका।
नेक्स्ट करो एक्सटर्नल डिवीजन, आप नाइन्थ क्लास में वो कॉन्सेप्ट कर रहे हो जो बच्चे इलेवेंथ ट्वेल्थ में नहीं सीख पाते हैं। ये इलेवेंथ क्लास के बच्चे जुड़े तो हैं साथ में, देखो आंसर नहीं आ रहा अभी। सर एक्सटर्नली मैं आएगा -24.9। -24.9 दैट इज आल्सो द राइट आंसर। आपने रियल में निकाला है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर यहां निकाला है क्लास के बाद कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इन व्हाट रेशियो, बेटे ये सॉल्व करके देना है, मजाक नहीं चल रहा, कोई बुक से देख के नहीं बताने, आपने आंसर ध्यान रखना। नो सर, सर मैंने सॉल्व किए। सॉल्व किया है आपने? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। इन व्हाट रेशियो, चलिए आप बताओ, आपसे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है सेकंड वाले? इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस, मतलब कि जो एक्स एक्सिस है वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करती है? एक्स एक्सिस के पॉइंट्स आप क्या लोगे? जैसे मैं सर x, y मतलब सर 0, सर x, 0 क्या कर रहे हैं? x, 0 इस्तेमाल करो, 0 जैसे ये हमारी x एक्सिस और y एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ठीक है। जो 2, -3 एक पॉइंट है, कौन सा है? 2, -3 2, -3 कहाँ होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या कर रहे हैं भाई? फोर्थ में है सर, फोर्थ में होगा। 2, -3 1, 2, 1, 2, 3 दैट पॉइंट इज 2, -3 एक पॉइंट है 5, 6 3, 4, 5 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 5, 6 यहाँ कहीं है। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। जैसे आपने ज्वाइन किया, देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया ये। अब ये कह रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा वो एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में होगा, वो इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करता है? ये तो क्वेश्चन है सर। हमें एम और एन की वैल्यू निकाल लिया। आप एम और एन मत ले लेना इसको, आप लोगे से लैम्डा इज टू 1 तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप लेंथ बहुत ही टफ कर लोगे क्वेश्चन को ना चाहते हुए, ठीक है। तो ये लैम्डा और से लोगे, अब आप करिए फार्मूला वही सर। 1 क्यों लिया हमने सर, यहाँ पे 1 क्यों लिया? बेटे एम अपॉन एन को लैम्डा इज टू 1 भी तो ले सकते हैं, जैसे मान लो रेशियो 4/5 आ गया, 4/5 = 1 आ गया, तो 4:5 भी हो जाएगा वो, मतलब 1 लेना इजी हो जाता है, 1 से इजी हो जाएगा क्वेश्चन, समझ रहे हो? ओके सर। देखते हैं भाई क्या वैल्यूज आती हैं हमारी। सबसे पहले हमारा आंसर क्या आएगा? लैम्डा टू 1, तो ये आ गया 5 × भाई एम एक्स 2 + nx1, तो एम एक्स 2, एक्स 2 तो ये है, ये एक्स 2 है, ये वाई 2 है, x1 y1, एम एक्स 2 + nx1, एन एक्स 1, एन कितना है 1, x1 कितना है 2, 1 × 2, 2 आ गया, अपौन m प्लस n यानी कि लैम्डा प्लस 1, ये आ गया। बोलो बेटा। यस सर। ये आएगा पहला पॉइंट और ये आएगा x के, यहाँ हाँ x के इक्वल आएगा, और दूसरा पॉइंट आएगा हमारा 0 सर, 0 के इक्वल, हाँ 0 के इक्वल, वो आएगा 6 लैम्डा -3 × 1 -3 upon λ+1 जैसे लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/6 यानी कि 1/2। बोलो लैम्डा इज टू 1 रेशियो है तो लैम्डा की जगह 1/2 रख दो, इज टू 1 यानी कि आ जाएगा 1:2। बोलो बेटा। यस सर आ गया। अरे हाफ इज टू 1 का मतलब 1:2 ही तो होता है। यस सर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, तो 0 इससे क्वेश्चन इजी हो गया ना आपको, लैम्डा इज टू 1 लेने से। तो अगली बार आप ध्यान रखना कि कभी भी आप सॉल्व करो तो लैम्डा इज टू 1 ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट
गिवन दैट A1,1 दिया है, B2,-3 दिया है, आर टू पॉइंट्स, ये कितने पॉइंट्स हैं, आर टू पॉइंट्स एंड डी इज अ पॉइंट, डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड सच दैट, प्रोड्यूस सच दैट ए डी इक्वल टू 3 times ए बी, ए डी जो है वो 3 times है ए बी का. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स. समझ आ गया कुछ, यहाँ ए है कहीं और यहाँ कहीं हमारा बी है, ए के कोऑर्डिनेट है 1,1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 2,-3. ही इज आस्किंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी दैट पॉइंट. ठीक है, हो जाएगा सर, सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा. बहुत अच्छे, ठीक है वही करेंगे. और फार्मूला वही, इसको K:1 ले लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, इसको क्या रेशियो ले लो, K:2 या λ:1, जैसे भी आपको ठीक लगे लगेगा. एक्सटर्नल वाला AD:BD कितना रेशियो दिया है, 3:2 दिया है, ये तो गिवन है, सॉरी ये तो हमें गिवन है. कितना रेशियो है भाई, ए डी और बी डी का रेशियो, यहाँ से ए डी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना, ए डी और यहाँ अपॉन बी डी, तो ये कितना रेशियो आएगा, ए डी अपॉन बी डी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:2 का. कैसे, क्योंकि ए डी जो है वो 3 times है बी का, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है. मेरी बात समझो आप, अगर सर ए बी 1 होगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 होगी. ऑब्वियसली नहीं, बी भी है भाई, वो सपोज क्या मतलब, अगर हम इस डिस्टेंस को एक्स लेंगे तो ये 3x हो जाएगा. हाँ ऐसे मान लो, और ये डिस्टेंस आप निकाल भी सकते हो, -3 -1 का होल स्क्वायर, 2 -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर + 1 कितना आया, 17 रूट के अंदर. ये तो खैर डिस्टेंस तो अलग है, डिस्टेंस डिस्टेंस ये मैटर नहीं करेगा, डिस्टेंस ये मैटर नहीं करेगी, हमें मतलब है रेशियो से. मैं फिर से बता देता हूँ, डी जो है वो डिवाइड करता है ए डी को एक्सटर्नली इस रेशियो में. देखो मैं कैसे बताता हूँ, देखो भाई ए डी इक्वल कितना दिया हुआ, 3 AB, बोलो. यस सर, दिया हुआ है. अब एक और मैं लिखने जा रहा हूँ पॉइंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बी डी इक्वल टू जो है वो हो जाएगा 2 times AB, बोलो कुछ गलत लिख रहे हैं, ये कैसे आया बताओ. यस सर, सर अगर ये 3 times डिवाइड कर रहा है सर, बी इसका मिड पॉइंट होगा. बस नहीं, मिड पॉइंट तो नहीं होगा, मिड पॉइंट नहीं, नहीं सर, उसे डबल, हाँ डबल, बी डी जो है वो 2 times हो जाएगा ए बी का. अरे भाई सिंपल सी बात है कि ए डी जो है वो इसका 3 times है, अगर ये एक्स है तो ये 3x है, पूरा 3x है. यस सर, ये 2x ही तो बचाइए, अभी भी नहीं समझाया तो. यस सर, ये बी डी 2x ही बचा. यस सर, तो ये इसका 2 times हो गया. बोलो अभी भी नहीं समझा सर, आ गया, आ गया. आप तो दो घुमा के क्वेश्चन दिया था उसने, बस इतना ही था. अब आपने क्या करना है, अब आपने ए डी अपॉन बी डी जो है वो 3/2 है, तो ये रेशियो लगा के आपने एक्सटर्नल डिवीजन वाला फार्मूला लगा देना है. कर लोगे आगे, हो गया बेटा क्वेश्चन, हो गया. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन determine the ratio in which the line दी हुई है 3x + y - 9 = 0 divides the segment joining the points
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स दिए हुए हैं 1.3 and 2.7, 1.3 and 2.7, ये दिए हुए, मतलब समझा क्या होगा? क्वेश्चन है रेशियो फाइंड आउट करो, जिसमें ये जो लाइन है वो डिवाइड करती है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को, जैसे ये 1.3 है, ये 2.7 है, और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है और 3x + y = वो किस रेशियो में करती है? He's asking this. m:n में सर, उसे λ:1 ले लेते हैं, फिर भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं, k:1 ले लो, लैम्डा बहुत हो गया, ठीक है। अच्छा ये लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x + y - 9 = 0, ठीक है, गलत कह रहा हूँ मैं? नो सर। इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। देखो बेटा एक बड़ी बात है, मैं इंपॉर्टेंट बात रखता हूँ, मैंने अभी बोला कि k:1 रेशियो में डिवाइड करती है, मान फार्मूला वही लगेगा, mx2 वही mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, यही होगा। और ये जो पॉइंट अभी आपका आया, ये वाला पॉइंट ये तो आया, ये पॉइंट किसके ऊपर लाई करेगा? ये लाइन के ऊपर लाई करेगा, ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा, मेरी बात नहीं समझे? यस सर, करेगा सर। ये पॉइंट किसके ऊपर लाई करेगा? लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर। तो लाइन से इसको सेटिस्फाई करा दो, जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है वहां पे आप यस सर पुट कर दो, सर पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन आपका, समझ गए बात? इसके बाद में मैं अभी क्लास ओवर कर दूंगा आपकी, डिनर मैंने करना है, आवाज आ रही है डिनर के लिए, तो आप एक काम करो, ये क्वेश्चन सभी आप करो, के की वैल्यू ये आने वाली है, आप करो ये ही क्वेश्चन दोबारा ट्राई करो। तो इंटरनली वो लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है? 3:4, k:1 का रेशियो था तो 3/4:1 आया, उसको मैं ले सकता हूँ 3:2, समझ आ गया? यस सर। तो टोटल क्वेश्चंस आपने अभी, और कितने क्वेश्चंस हैं इसी में? इसी में 1, 2, 3, 3 क्वेश्चंस और हैं बस, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका सेंट्रोइड इन सेंटर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, बस ये एक कॉन्सेप्ट रह गया, फिर स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से चलेगी आपकी, ठीक है? तो अभी आप ये कंप्लीट कर लेंगे, यस सर, इतना काम करो, बाकी बात हम करते हैं ऑन व्हाट्सएप पे बात करते हैं, ठीक है जी? यस सर, थैंक यू।